फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आप सभी को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ हम चलते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज मैं रवा ढोकला की वीडियो लेके आई हूँ। एकदम सिंपल और एकदम तेज झटपट बनने वाली रेसिपी है। आपके बच्चे स्कूल से आज जब आते हैं तभी आप झटपट बना के उन्हें दे सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो एक बाउल मैंने एक कप रवा ले लिया है। एक कप रवा यानी कोई भी कप से आप मेजरिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मेजरिंग कप ही लेना है। और उसी कप से मैंने एक कप दही ले लिया है और एक इंच जितना मैंने अदरक और 3 से 4 हरी मिर्ची को क्रश कर लिया था उसे भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। एक बार मिक्स कर लेते हैं और इसके अंदर हमें 1 टीस्पून हमें शुगर ऐड कर लेंगे और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। इन सारी चीज़ को भी मिक्स कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। एकदम लिक्विड ही नहीं चाहिए, हमें थिक बैटर ही चाहिए। तभी थोड़ा सा पानी डाल के हम 10 मिनट के लिए इसके रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हमारा सूजी अच्छे से फूल जाएगा। तो उसके बाद में हम आगे, तब तक हमें पानी डाल के एक स्टीमर रेडी कर लेंगे। तो स्टीमर गर्म हो जाए, पानी गर्म हो जाए, तब इसके बाद में हम इसे खोल लेते हैं और इसके अंदर हमें 2 टीस्पून जितना सनफ्लावर ऑयल ऐड कर लेंगे और उसके बाद से एक बारी मिक्स कर लेते हैं। तभी आप देख सकते हैं अभी हमारा बैटर एकदम से अच्छे से थिक हो चुका है, हमारा सूजी एकदम से अच्छे से फूल चुका है। तो इस बाद में हमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर लेते हैं और अब इसके अंदर हमें 1 टीस्पून इनो ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास इनो नहीं है तो इसके बदले आप 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा बैटर इतना थिक को रहना चाहिए, तो इसके ऊपर थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं, उसे एक बारी मिक्स कर लेंगे। और जिस टिन में आपको स्टीम करना है उस टिन को आप ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा। उसके बाद में इस बैटर को डाल देते हैं उसके अंदर और उसके बाद में ऊपर से मैंने थोड़ा गार्निशिंग के लिए लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर लिया था, तो उसे स्टीम करने के लिए रख लेते हैं। तो हाई फ्लेम पर रखिएगा। तो 15 मिनट के लिए हम इसे स्टीम होने देंगे। हाँ, तब तक हम इसके तड़का रेडी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अभी एकदम अच्छे से हो चुका है, इसे ठंडा होने देंगे तब हम तड़का रेडी कर लेंगे। तड़का पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, 1 टीस्पून राई डाल देंगे, 2 टीस्पून तिल डाल दिया है, हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता ऐड कर लेंगे। और उसके बाद में जो हमारा ढोकला है एकदम से ठंडा हो चुका है तब इसे हम कट कर लेते हैं। मनचाहे शेप में आप जैसे भी रखना चाहे इस रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे ढोकले में कितनी अच्छी जाली पड़ी हुई है। तो इस तरह से होना चाहिए, एकदम टेस्टी ढोकला हमारा सर्व करने के लिए रेडी हो चुका है। इस तड़के को इसके ऊपर डाल देंगे। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करके देखना, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए।